नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिलकुटा। हाँ फ्रेंड्स, हम बहुत ही आसानी से एक मिनट में तिलकुटा बनाकर तैयार कर लेंगे। तिलकुटा चौथ का व्रत आ रहा है, इस विषय पे हम तिलकुटा बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है जिसको मैंने तोड़ लिया है, और तिल लिए हैं, मैंने हल्के ब्राउन कलर के तिल लिए हैं, आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। और आप इस तिलकुटे को शुगर में भी बना सकते हैं। वैसे तो तिलकुटा मामदस्ते में बनाया जाता है, लेकिन जिनके पास मामदस्ता नहीं है वो इसको किस तरह से बनाएं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर ये तिल डाल देंगे। जिनके पास मामदस्ता नहीं है वो मिक्सी में इसको बना सकते हैं। अब हम मैंने तिल मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब हम इसके ढक लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, और गुड़ की जगह आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। कई लोग चीनी में भी बनाते हैं, अगर आपको चीनी पसंद है तो चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे वापस से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसे वापस से ग्राइंड कर लिया है, ये हमारा तिलकुटा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप तिल को सेक के बनाना चाहते हैं तो सेक के भी बना सकते हैं, मैंने कच्चे तिल का बनाया है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा तिलकुटा तैयार है खाने के लिए। ये एक मिनट में बनकर तैयार हो गया है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस व्रत पे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये तिलकुटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।